हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब कि नर्व जो नर्व होते हैं, एग्जॉन्स होते हैं, उसमें नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसा होता है और वो कंडक्शन कैसा होता है। मतलब वो एक एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट, न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स। जो हर वो सेल जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि स्टिमुलस देने से वो रेस्पॉन्ड करेगा, उनको हम एक्साइटेबल सेल कहते हैं। व्हाई दे आर एक्साइटेबल? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट। इट इज़ इन अ पोलराइज स्टेट बिकॉज कि जो न्यूरल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम न्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूरल मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आयन चैनल्स होते हैं, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। मतलब एट ए टाइम वो एक आयन को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, और दूसरे आयन को अलाउ नहीं करता। ये जो फीचर होता है, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब किसी को अलाउ करेगा और किसी को नहीं करेगा, जिसे उसे जाने देना है उसी को ही जाने देगा। ये सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। When neuron is resting, neuron resting है, इसका क्या मतलब है कि neuron से कोई भी impulse का conduction नहीं हो रहा है। इस वाले time को हम बोलते हैं कि neuron resting में है। जब neuron resting phase में होता है, उस time जो axonal membrane है, let's it consider as ये axonal membrane है, ठीक है, ये axon है। तो ये axon का जो ये membrane है, इसे हम axonal membrane कहेंगे। ये होता है मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। मतलब पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, उसे तो अंदर आने देगा। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, बट सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल है, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देगा। ये एग्जॉन, एग्जॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इस एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इट इज़ इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब क्या हुआ, पोटेशियम आयन को अंदर आने दे रहा है, सोडियम आयन को नहीं आने दे रहा है, नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन है उनको भी बाहर जाने नहीं दे रहा है। इससे क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन हो जाएगा, है ना, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और जो सोडियम आयन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सोडियम आयन का पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। इन कंट्रास्ट, अगर हम बाहर एक्सोप्लाज्म के बाहर की बात करें, तो बाहर के फ्लूइड में क्या होगा, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन लो होगा और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एक इट फॉर्म्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ये जो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है, ये मेंटेन कौन करता है, इट इज़ मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव का मतलब ये है कि इसके ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज हो रही है। जहाँ भी वर्ड एक्टिव यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी यूज हो रहा है। तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, इसको कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम है, ये क्या करता है कि अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर निकालता है और बाहर के 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है। क्या क्या किया इसने, अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर निकाला और बाहर के 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट जो आउटर सरफेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जो इनर सरफेस है उसमें क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज
डेवलप हो जाएगा। और ये है आपका एक्सोप्लाज्म, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अंदर की तरफ क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये जो कंडीशन डेवलप हुआ है बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है अक्रॉस द रेस्टिंग पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और कैसे अलोंग द एक्सॉन कंडक्शन होता है इसका। ये है आपका पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जिसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। जब इस पे स्टिमुलस आएगा, ठीक है, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइज्ड ऑन पोटेंशियल मेम्ब्रेन, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में जब स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा। एज जैसे ही स्टिमुलस आएगा, ये जो इस पॉइंट पे जो मेम्ब्रेन है, दैट बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगा, चैनल्स ओपन हो जाएंगे और जो सोडियम आयन है, आयन के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। और देयर इज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, यू कैन सी जैसे ही चैनल्स ओपन होंगे सोडियम आयन्स अंदर आने लगेंगे। और जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, देयर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे रिवर्स हो जाएगी, बाहर की तरफ नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आ रहे हैं, है ना, बल्क में अंदर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव अंदर हो जाएंगे और नेगेटिव बाहर हो जाएंगे। डीपोलराइज स्टेट, इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। जब देयर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, आउटर में मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए और इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। और इसी एक्शन पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। दस क्या हुआ, नर्व इम्पल्स का जेनरेशन हुआ, नर्व इम्पल्स जेनरेट हो गई। अब वो नर्व इम्पल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे मूव करेगी, एट इस साइट पे नर्व इम्पल्स का जेनरेशन हुआ है ना, एट द साइट इमीडिएट अहेड ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन, जिस पॉइंट पे स्टिमुलस डेवलप हो रहा है उसके जस्ट इमीडिएट साइड पे क्या है, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव है और इनर सरफेस पे नेगेटिव है। करंट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेगी, यू कैन सी दिस, करंट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंप्लीट द सर्किट, एंड दस एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली जो है यहाँ पर की पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देयर इज अ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, करंट फ्लो टू कंप्लीट द सर्किट, करंट के फ्लो करने के लिए वो इधर से इधर मूव किया, पोलैरिटी इज रिवर्स एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कि नेगेटिव, यहाँ पर जो है पोलैरिटी रिवर्स हो गई है और ये वाली फिर, और ये वाला जो है वो अपना पोलराइज स्टेट में दोबारा आ जाता है। तो दिस, ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। ये जो सीक्वेंस है यहाँ, अब यहाँ से फिर आगे मूव करेगा, ये सीक्वेंस रिपीट होता है अलोंग द एक्सॉन, एंड इम्पल्स इज दस conducted, so completes our nerve impulse generation and conduction. So अगर आपको ये video beneficial लगे तो please मेरे video को like करें, share करें and comment section में mention करें कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, and please don't forget to subscribe my channel.